वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट कर दे। तो हम यहाँ पे आए हैं नजफ़गढ़, दिल्ली के नजफ़गढ़ में। तो आगे का कुछ बताने से पहले, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है और जो हमारे चैनल पे नए हैं जो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे आपको बताते हैं, ये है दिल्ली में लगा हुआ, दिल्ली के बॉर्डर पर है नजफ़गढ़। तो यहाँ पर है सरसों का खेत। तो कुछ आपको येलो येलो फ्लावर जो दिख रहे हैं वो सारे यहाँ से लेके पूरा ये सरसों का खेत है। और वहाँ पे अभी वो कच्चे हैं, कच्चे सरसों हैं, अभी फूल आए हुए हैं। और हम आपको दिखाते हैं आगे कि ये सरसों कहाँ होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये सरसों इसमें हुआ है, इसके अंदर बीज होता है। देखो आपको अभी ये दिखा रहे हैं, ये सरसों के बीज हैं, अभी कच्चे हैं, कुछ टाइम के बाद ये पकना शुरू हो जाएंगे और फिर इसको पीस के फिर आपको सरसों का तेल मिलेगा। तो ये है सरसों का खेत, इसमें बहुत सारी सरसों लगी हुई हैं, देख रहे होंगे आप, ये पूरा ही सरसों, मतलब अब फूल ख़त्म हो गए हैं। तो इसमें से अब ये सब कुछ लगना शुरू हो गया है सरसों। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पूरी ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सब में सरसों ही सरसों। और जब ये पक जाएगा, इसको पीसा जाएगा, इसके दानों को, उसके बाद आपको सरसों मिलेगी, जिसे गांव में कुछ लोग राई भी बोलते हैं। सरसों, मस्टर्ड, ये सब है। ये यहाँ दिल्ली के इस एरिया में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे खेती होती है। तो जो बच्चे गांव नहीं जा पाते हैं अपने, या गांव में से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो दिल्ली में भी कुछ ही किलोमीटर दूर है जहाँ अगर आप रहते होंगे तो, एक दो ढाई घंटे में जो दूर दूसरे बॉर्डर पर रहता हो तो आ सकता है, अपने खेत दिखा सकता है। यहाँ पर खेती होती ही रहती है, तो खूबसूरत जगह है ये भी। तो ऐसी जगह घूमना भी चाहिए, अपने बच्चों को दिखाना भी चाहिए कि कैसी खेती होती है। और हमारी जो दूसरी वीडियो है उसमें आपको गेहूं की खेती, कैसे गेहूं हुआ है वो आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। और ये है सरसों का पूरा सरसों का खेत है। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।